तो गाइस पिछले अपडेट में काफी सारे डिवाइस के अंदर 90fps सपोर्ट नहीं कर रहा था, पर इस 3.2 की अपडेट के साथ काफी सारों के डिवाइस में 90fps अवेलेबल हो जाएगा एंड सपोर्ट भी करने लग जाएगा। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि यार किन किन डिवाइस के अंदर यहाँ पर 90fps अवेलेबल हो जाएगा। बाकी दोस्तों आप लोग को वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। वैसे 3.2 की अपडेट के साथ यहाँ पर 120fps भी आ रहा है, तो आप लोग अगर जानना चाहते हो कि आपके डिवाइस के यहाँ पर 120fps सपोर्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हो, क्योंकि मैंने इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाकर डाल दी। और हाँ, मैं हर बार अपनी BGMI की वीडियोस के अंदर 75 rupees का रिडीम कोड देता हूँ, तो मैंने इस वीडियो के अंदर भी दे रखा है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखना, क्योंकि इसी वीडियो के बीच में आप लोग को 75 rupees का रिडीम कोड भी देखने को मिल जाएगा। और अगर कोई डाउट हो तो यार ये रही मेरे इंस्टाग्राम की ID @GuruGhantalOfficial, जल्दी से जाओ फॉलो करो। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते है। तो गाइस अगर आपके पास 6GB रैम का डिवाइस है या फिर 8GB रैम का डिवाइस है तो यार उसके अंदर आप लोगों को आराम से 90fps का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बाकी हम लोग लिस्ट को एक बार चेक कर लेते हैं कि यार किन किन डिवाइस के अंदर यहाँ पर 90fps वगैरह सपोर्ट करने वाला है। तो अगर आपके पास OnePlus Open का डिवाइस है तो यार उसके अंदर आप लोग को यहाँ पर 90fps देखने को मिल जाएगा। Redmi Note 11 Pro के अंदर भी आप लोग को 90fps देखने को मिल जाएगा। IQ9 Pro के अंदर भी आप लोग को 90fps देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ Samsung Galaxy S23 Ultra के अंदर भी आप लोग को 90fps देखने को मिल जाएगा। फिर यही पर Samsung Galaxy Z Fold 2 के अंदर भी आप लोगों को 90fps वगैरह देखने को मिल जाएगा। OnePlus 9 के अंदर भी आप लोगों को 90fps देखने को मिल जाएगा। और यही पर आपके पास OnePlus 12 है तो यार उसके अंदर भी आप लोगों को 90fps देखने को मिल जाएगा। Zenfone 7 के अंदर भी आप लोगों को 90fps देखने को मिल जाएगा। ROG Phone 5S के अंदर भी 90fps देखने को मिल जा रहा है। Samsung Galaxy S23 Plus भाई ये भी इसके अंदर भी आप लोगों को 90fps देखने को मिल जाएगा। Samsung Galaxy S23 और Poco X3 Pro के अंदर भी यहां पर आप लोगों को 90fps देखने को मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते तो यार यहाँ पर Samsung Galaxy Flip 3 के अंदर भी अपने को यहाँ पर 90fps देखने को मिल जा रहा है। ROG Phone 5 और Mi 11 X Pro के अंदर भी यहाँ पर अपने को 90fps देखने को मिल जा रहा है। Samsung Galaxy S22 Ultra के अंदर 90fps आ रहा है। OnePlus 11, OnePlus 10 T के अंदर भी 90fps देखने को मिल जा रहा है। Infinix GT 10 Pro के अंदर 90fps देखने को मिल जा रहा है। Mi 11 Ultra और OnePlus 12 R के अंदर भी हमारे को यहाँ पर 90fps देखने को मिल जा रहा है। Zenfone 8 Flip और Zenfone 8 के अंदर भी अपने को 90fps देखने को मिल जा रहा है। IQ9 SE के अंदर भी 90fps देखने को मिल जा रहा है। Samsung Galaxy S23 FE भाई इसके अंदर भी अपने को 90fps देखने को मिल जा रहा है। अब हम लोग iOS डिवाइस की बात करें तो यार यहाँ पर iPhone 13 Pro और iPhone 14 Pro Max और iPhone 14 Pro भाई इसके अंदर 90fps देखने को मिल जा रहा है। iPhone 15 Pro Max और iPhone 13 Pro Max और iPhone 15 Pro भाई इसके अंदर भी अपने को 90fps देखने को मिल जा रहा है। अभी भी अपने पास काफी सारे डिवाइस वगैरह रह जा रहे हैं, तो यार यहाँ पर हम लोग एंड्रॉइड पर वापस से आ जाते हैं। तो यार यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ROG Phone 5S Pro के अंदर 90fps देखने को मिल जा रहा है। Samsung Galaxy S20 Ultra के अंदर यहाँ पर 90fps देखने को मिल जा रहा है। IQ New 7 Pro के अंदर अपने को यहाँ पर 90fps देखने को मिल जा रहा है। OnePlus 11 R और OnePlus Nord 3 भाई इसके अंदर भी अपने को 90fps देखने को मिल जा रहा है। Samsung Galaxy S21 Ultra और Mi 11 X इसके अंदर भी 90fps देखने को मिल जा रहा है। यही पर OnePlus 9 Pro और OnePlus Nord CE3 के अंदर भी यहाँ पर अपने को 90fps देखने को मिल जा रहा है। और बात यहाँ पर खत्म नहीं हो रही है, OnePlus 10 Pro और IQ9 के अंदर भी अपने को 90fps देखने को मिल जा रहा है। Samsung Galaxy S72 Poco F3 के अंदर भी अपने को 90fps देखने को मिल जा रहा है। IQ7 Legend के अंदर भी अपने को 90fps देखने को मिल जा रहा है और IQ7 के अंदर भी। अब यहाँ पर Samsung के और भी डिवाइस निकल के आ रहे थे और यहाँ पर Samsung Galaxy Z Fold 3 और Samsung Galaxy A20 के अंदर भी अपने को 90fps देखने को मिल जा रहा है। IQ New 7 Samsung Galaxy S22 Plus के अंदर भी अपने को यहाँ पर 90fps देखने को मिल जा रहा है। Poco के F3 GT के डिवाइस के अंदर भी अपने को यहाँ पर 90fps देखने को मिल जा रहा है। Redmi Note 11 Pro Plus के अंदर भी यहाँ पर अपने को 90fps देखने को मिल जा रहा है। बस भाई इतने सारे जो डिवाइस है इन सभी डिवाइस के अंदर यहाँ पर आप लोगों को 90fps देखने को मिल जाएगा। और भाई जिन डिवाइस के अंदर यहाँ पर 90fps सपोर्ट करता है तो यार उन्हीं के डिवाइस के अंदर यहाँ पर 120fps भी सपोर्ट कर जाएगा। ये थी भाई आज की इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। ये रही मेरे इंस्टाग्राम की ID @GuruGhantalOfficial, जल्दी से जाओ फॉलो करो। कुछ ही दिन में हम लोग अपने गेमिंग सेटअप को भी रिवील करने वाले, तो भाई जितना ज्यादा हो सके सपोर्ट वगैरह बनाए रखिएगा। मैं आपको फिर मिलूंगा इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।